हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस ऑल न्यू सीरीज ऑफ मंडे माइंडसेट मंत्रा। इन प्रीवियस वीडियो आई हैड टॉक्ड अबाउट व्हाट यू फीड टू योर माइंड विल गिव दैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स। सो एज प्रॉमिस्ड इन दैट वीडियो, टुडेज टॉपिक इज रिगार्डिंग योर स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ट्रेडिशनली वी यूज टू लिंक दिस स्वॉट एनालिसिस टू बिजनेस एक्टिविटी टू नो अबाउट आवर कंपनीज स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड वट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द मार्केट विद एसोसिएटेड थ्रेट्स। बट नाउ द टाइम हैज चेंज्ड एंड वी कैन इंडिविजुअली ऑल्सो असेस आवर परफॉर्मेंस थ्रू स्वॉट एनालिसिस। बट फॉर दैट यू नीड टू नो अबाउट योर सेल्फ, एंड टू नो अबाउट योर सेल्फ यू हैव टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कि आप किस चीज में अच्छे हैं, क्या करने में आपको दिक्कत आती है और कैसे आप उसको सुधार सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। एंड फॉर नोइंग ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन टू नो योर सेल्फ मोर बेटर। मेरी एक पुरानी वीडियो है, हाउ टू राइट अ गुड सेल्फ डिस्क्रिप्शन इन SSB, उसमें भी मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात की है। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। मैं आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पर जल्द ही एक अलग वीडियो भी बनाकर दूंगा, पर अभी बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की कि जैसे आप जानते ही होंगे कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर इंटरनल फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल, सो यू शुड नो योर इनसाइट थ्रू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन टू मेक अ स्ट्रेटर्जी सो एज टू नो योर स्ट्रेंथ्स टू ओवरकम योर वीकनेसेस एंड परफॉर्म वेल इन SSB टेस्टिंग। बट मियर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटर्जी इज ऑफ नो यूज, इट्स एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि स्ट्रेटर्जी बड़ी सफलता नहीं देती, एग्जीक्यूशन बड़ी सफलता देती है। टूडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू फॉर्म अ स्ट्रेटर्जी थ्रू स्वॉट एनालिसिस एंड हाउ टू एग्जीक्यूट दिस स्ट्रेटर्जी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ मंडे माइंडसेट मंत्रा सीरीज। सो फ्रेंड्स, टू फॉर्म अ स्ट्रेटर्जी टू अटेन योर मेन गोल स्टेटमेंट, क्या है आपकी मेन गोल स्टेटमेंट? यही है ना कि SSB क्लियर करके ऑफिसर बनना है। फॉर दिस यू नीड टू फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ्स। जैसे कि किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है ही इज अ गुड लिसनर, अ गुड कम्युनिकेटर, वो अपनी बात लोगों तक अच्छी तरह पहुंचा सकता है। ही इज गुड एट फाइंडिंग द प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, मतलब उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी है। तो आप नोट डाउन कीजिए अपनी स्ट्रेंथ्स को ताकि आपको पता चले कि आप कौन सा काम करने में अच्छे हैं और कौन से काम करने में आपको ज्यादा मेहनत लगती है, ताकि आप उन काम पर ज्यादा फोकस करके उनको अच्छी तरह कर सकें और अपना जो वीक पॉइंट है उसको बाहर निकाल फेंकें। और उन वीक पॉइंट्स को जानने के लिए नोट डाउन कीजिए अपनी वीकनेसेस को। जैसे कि किसी की वीकनेस हो सकती है कि उसे गुस्सा जल्दी आता है, वो प्लान्स तो बना लेता है पर एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता, उसे स्टेज फियर है। ये उदाहरण के तौर पर है दोस्तों, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको। आपको अपनी वीकनेसेस खुद फ्रेम करनी है जो आपके अंदर वाकई में वीकनेसेस हैं या फिर स्ट्रेंथ्स हैं, और उनको लिख लेना है ताकि उनको अपनी मेहनत से आप सुधार सकें। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, यू कैन इंप्लीमेंट योर गुड थॉट्स टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज एंड फेस द थ्रेट्स बाय योर स्ट्रेंथ्स। आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको अपना स्वॉट एनालिसिस कैसे करना है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इस स्वॉट एनालिसिस से जो स्ट्रेटजी बनकर आई है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि बड़ी सफलता स्ट्रेटजी बना लेना नहीं है, बड़ी सफलता एग्जीक्यूशन करना है। तो हम फिर मिलेंगे अगले मंडे अपनी नई वीडियो के साथ इसी सीरीज में, और वीडियो का टॉपिक रहेगा कि जो स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेटर्जी बनकर आई उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उस पर अमल कैसे करना है। तब तक के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।
अपना प्यार यूं ही बनाए रखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।